नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेंद्र, आपके लिए फिर से भारतीय संविधान का अगला लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूं। ये पीडीएफ में तो पीडीएफ का पार्ट टू है, लेकिन हम वीडियो में ये संविधान का पार्ट थ्री पढ़ने जा रहे हैं। और अब तक मैंने 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर संविधान के प्रश्न पार्ट वन पार्ट टू में आपको दिए। पार्ट थ्री में फिर से मैं आपको 50 और महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्नों को यहाँ पे दूंगा और इनका आंसर भी, और ये भी उसी सीक्वेंस में वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जैसा कि आपने पार्ट वन और पार्ट टू में देखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सबसे इजी सबसे आसान क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां व भाग थे। तो मूल संविधान की बात की जा रही है, मूल का मतलब जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तब, उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग। तो आपको पता होना चाहिए या पता है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो लगभग 465 के प्लस हैं, 465 प्लस हैं, क्योंकि ये अनुच्छेद समय समय पे बढ़ रहे हैं, जैसे संशोधन होते हैं तो नए अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं। और अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं अब तक, 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी जा चुकी हैं और भाग 24 भाग हैं। तो ये वर्तमान का डेटा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विधि दिवस। विधि दिवस कहते हैं 26 नवंबर को, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पे संघ समिति जो है उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो दोनों में डिफरेंस है, ये संघ समिति की हम बात कर रहे हैं, संघ, और ये प्रांत की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि संविधान सभा में विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से ये संघ समिति है, प्रांतीय समिति है, झंडा समिति है, प्रारूप समिति है। तो इनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई जगह पे झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी का जो है नाम दिया रहता है, जो कि गलत है, आप उसको बिल्कुल सही ना माने। और ये झंडा समिति के जो अध्यक्ष का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने कार्य पालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जो अंतरिम सरकार थी उसकी कार्यपालक परिषद जो थी उसके जो है उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, या कह लीजिए कि उस सरकार के जो उपाध्यक्ष कौन थे, वही हैं जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? बंगाल। बंगाल में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बीएन राव को इस संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, काफी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ये आप जानते रहिएगा, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। आप कह सकते हैं कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए? आप सभी को पता होगा ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये 42वां संविधान संशोधन, इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है जिसे आपको याद रखना होगा।
भारतीय संविधान कब अंगीकृत अधिनियम एवं आत्मार्पित किया गया, वही डेट जब कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि ये आत्मार्पित कब किया गया, कब इसे अंगीकृत किया गया और कब लागू किया गया, दोनों अलग चीजें हैं। जब लागू करने की बात कही जाएगी तो 26 जनवरी 1950, लेकिन जब कहेंगे कि इसे अंगीकृत कब किया गया है, अधिनियमित कब किया गया या आत्मार्पित कब किया गया, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1949, यानी जब यह बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो ये दोनों में अंतर आप बना के चले गए, नहीं तो गलत हो सकता है। किस विवाद में कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना उसका अंग नहीं है, कि संविधान का प्रस्तावना उसका अंग नहीं है, एनरी बेरुबारी वाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बात में कहा गया कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, आगे फिर इसे परिवर्तन भी किया जाएगा, परिवर्तित भी किया जाएगा। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है, ये एक तरह का टेक्निकल क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसे दिया, ये टाइटल किसे दिया जाता है कि अगर आप संविधान निर्माताओं के विचारों को जानना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा प्रस्तावना, यानी कि कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी कहा गया है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखिए, इस एनरी बेरुबारीवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्य, ये वाद जो था इसके अंतर्गत कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य, काफी इंपॉर्टेंट है ये। किस वाद में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन का प्रावधान किया गया, ये भी वही चीज है कि जो भारत का संविधान है इसके प्रस्तावना में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, प्रावधान दिया गया है, ये किसके अंतर्गत, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। जो हमारे प्रस्तावना की जो लाइन है वो इसी तरह की लाइन है, यही उसे घोषित किया गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने जो है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी है, यानी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्रस्तावना है उसे राजनीतिक जन्मपत्री का टाइटल या राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में संबोधित किया तो किसने, के एम मुंशी ने, काफी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, भारत की जनता में। अब यहाँ पे राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है ऑप्शन के रूप में, लेकिन संविधान कहता है कि सर्वोच्च सत्ता जो है जनता के हाथ में है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णता स्वतंत्र है, इसे क्या कहते हैं, इसे ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ही होता है कि भारत पूरी तरह से आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए स्वतंत्र है, किसी भी फैसले के लिए उस किसी और पे उसे डिपेंड नहीं रहना है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है किसी भी तरह के मामले में निर्णय लेने के लिए, और इस चीज को ही, इस बात को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, नॉर्मल रूप से भारत संविधान की प्रस्तावना को ही इसकी आत्मा कहा जाता है। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है, देखिए अब हमारा देश भी पंथ निरपेक्ष है लेकिन प्रथम कौन है, तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये स्टेटमेंट है किसने दिया है, सुभाष कश्यप का ये स्टेटमेंट है, तो इसकी याद रखिए। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता, संप्रभुता ही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे कई बार पूछा गया है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, यानी कब हुआ, वही जब भाई संविधान लागू हो जाएगा तभी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को। संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है, यानी कि जो हमारा संविधान रियल में वास्तव में ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये है सर आइवर जेनिंग्स ने ऐसा कहा। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली।
किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है? काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को कहा गया है, तो किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने ही कहा है। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये जो संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पे है ये ब्रिटेन से ली गई है। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान। लेकिन एक चीज का फर्क है कि ब्रिटेन का सम्राट जो वंशानुक्रम होता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इतना फर्क है, और बाकी उसके अधिकारों उसके दायित्वों में ज्यादा फर्क नहीं है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति होती है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान से मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात आदि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, ये सारी चीजें किस देश के संविधान से ली गई हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। संविधान संघीय शासन प्रणाली, जो संघीय शासन प्रणाली है कहाँ से ली गई है? कैनाडा से ली गई है। संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। आपको पता होगा कि जो मूल कर्तव्य थे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें जोड़ा गया है, और ये जो है सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। संविधान से आपात उपबंधन, जो आपात है इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। संविधान से भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग कितने अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए हैं? मैंने इससे पहले के वीडियो में चर्चा किया था, लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ परिवर्तन के साथ ले लिए गए हैं। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार 1944 में संविधान संशोधन 1978 से पहले ये आपका एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, और ये वर्तमान में कहा है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को, ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी रिपीट किया, वही है ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इससे जो है संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा कि आवश्यकता से अधिक कठोर है? सर आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स के कई सारे स्टेटमेंट हमने जस्ट ऊपर पढ़े, तो इनको आप याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्टेटमेंट हमने दिए वो उसके आंसर के रूप में सर आइवर जेनिंग्स हैं। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। तो ये एक सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत कर दी गई? यानी कि अभी जो वर्तमान में मताधिकार की आयु सीमा है कि 18 वर्ष पे ही आप वोट दे सकते हैं, ये कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। कब किया गया? 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। दोस्तों इसी तरह से हम और आपको संविधान के वन लाइनर प्रश्न देते रहेंगे, आप इनको याद करते चलिए, और इनको अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए, जो हमारी पीडीएफ पूरी कंप्लीट है ये, इसमें लगा हमने 150 क्वेश्चन इस पीडीएफ में बनाए हुए हैं, और ये चाहिए आपको पीडीएफ के रूप में पूरा एक साथ आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आना होगा। इस नंबर पे मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा, लेकिन चूंकि पीडीएफ फाइल थोड़ा सा चार्जेबल होती है, कुछ आपको उसके लिए पे करना होता है, तो अगर आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं, पे करके पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ ये और सारे विषय के मैं दूँ। ये 9450047 ये 0 है, फिर ये 79 है, 79 9450047079, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज डालिएगा, मैं आपको
सारे विषय के मैंने पीडीएफ फाइल ऐसे ही बनाए हैं, और इम्पोर्टेंट जिस तरह के आप देख रहे हैं क्वेश्चन, मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे संविधान में आपको दे रहा हूँ, ये सीक्वेंस वाइज वैसे ही सारे विषय के मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम, आप उन्हें लेकर के तैयार करिए। बाकी वीडियो के रूप में मैं ऐसे ही देता रहूँगा और आपका कोर्स कम्प्लीट कराता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। हम मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।